श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, प्रदोष का व्रत महादेव को अति प्रिय है। ये व्रत भी एकादशी की तरह महीने में दो बार त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस व्रत में पूजा भी प्रदोष काल में होती है, यानी सूर्य अस्त से डेढ़ घंटे के बीच में। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान विष पीने की घटना त्रयोदशी तिथि को ही घटित थी। इसके बाद संसार को संकट से बचाने के लिए सभी देवी देवताओं ने महादेव का आभार व्यक्त किया था और उनकी पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव नृत्य किया था। ये पूरा घटनाक्रम त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल के समय हुआ था। इस कारण त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल महादेव को अत्यंत प्रिय हो गया है। तभी से ये व्रत भी प्रदोष नाम से प्रचलित हो गया है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत हर तरह की कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं और इस व्रत को करने से जीवन में हर तरह की सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें शुक्ल पक्ष का प्रदोष रखना चाहिए या कृष्ण पक्ष का, या फिर दोनों पक्षों के प्रदोष रखने से क्या होता है। तो देखिए, आप दोनों पक्षों का प्रदोष व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत करते हैं तो इससे धन संपदा सुख संपत्ति लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाता है और कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखने से जीवन भर के लिए रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत करना चाहिए। यदि आपको रोगों से मुक्ति चाहिए तो कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति प्रदोष काल में बेलपत्र का स्मरण कर ले तो उस व्यक्ति का ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो सफल ना हो, उसका हर एक काम सफल होकर ही रहेगा। मान लो अगर कोई कार्य आपका बहुत दिन से नहीं हो रहा है, या किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया हो और उसका रिजल्ट आने वाला ही हो, या फिर धन नहीं रुक रहा है, या फिर कोई ऐसी समस्या जिससे छुटकारा ही नहीं मिल रहा, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। वो उपाय क्या है? देखिए, आप प्रयास करना जब जब प्रदोष पड़े या जिस जिस महीने में प्रदोष पड़े, अगर बन सके तो एक बेलपत्र या पांच बेलपत्र, समीपत्र, हरा मूंग, गुड़, उसके बाद एक लोटे में जल ले लेना और उसमें इन सभी चीज़ों को डालकर भगवान शिव का स्मरण कर शिवलिंग के ऊपर प्रदोष काल में भगवान को समर्पित कर देना और जो भी आपकी इच्छा हो उसको बोल देना। आप देखना, दो या तीन प्रदोष व्रत करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं तभी ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको दो या तीन प्रदोष ये करना है और चमत्कार फिर आपको देखने को मिल जाएगा।